अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान के लास्ट 7 to 8 डेज बाकी है और आप सबसे दुआ की खास रिक्वेस्ट है, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को खास दुआओं में याद रखना। एंड एक बात मुझे आपसे क्लियर करनी थी, मैंने अभी तक सिर्फ 5 to 6 वीडियोस बनाए हैं और मैंने कहीं पर भी अपना पहले वाला रिलीजन स्पेसिफाई नहीं किया था। उसका रीज़न ये है कि मॉम अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, डैड अलग रिलीजन को फॉलो करते थे एंड आई वॉज एन एथिस्ट, आई डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट। तो ये जो सब अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट मैं देख रही हूँ कॉमेंट सेक्शन में, उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, क्योंकि जिन रिलीजन्स पे ऑलरेडी बहस हुए जा रही है उसको मैं बिलोंग ही नहीं करती थी। एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया में जब हम स्कूल में प्लेज लेते हैं ना तो एक लाइन आती है, आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, आई लव माई कंट्री एंड आई एम फ्रॉम गुजरात एंड आई हैव लिव्ड इन महाराष्ट्र फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, आई हैव लिव्ड इन राजस्थान फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड आई हैव शिफ्टेड टू गुजरात। तो यही आपसे क्लियर करना था कि आपस में लड़ना बंद करें। इतनी सारी पॉजिटिविटी के बाद ये कुछ जो लोग लड़े जा रहे हैं बेवजह, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि मॉम डैड दोनों अलग रिलीजन के थे और हम तो किसी में मानते ही नहीं थे। फिर अल्लाह का मतलब एक दिमाग में आया, इस्लाम के बारे में आया। अब आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इस्लाम बट दैट डज नॉट मीन दैट आई डिसरिस्पेक्ट एनी अदर रिलीजन। थैंक यू सो मच, अस्सलामुअलैकुम। और इंशाल्लाह और वीडियोस के साथ आऊँगी, बट रमज़ान का लास्ट 7 to 8 डेज बचे हैं अभी और काफ़ी काम होता है और इबादत हो नहीं पा रही है जितनी होनी चाहिए। इसके लिए इंशाल्लाह जब भी वक्त मिलेगा मैं ज़रूर वीडियोस के साथ वापस आऊँगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।